नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वैदिक कॉलेज में। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है, और ये इसराइल और हमास की जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में है। और एक रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि इसराइल को एक साल पहले से ही पता था कि ये अटैक होने वाला है, और पूरे डिटेल में पता था कि कैसे करने वाले हैं वो अटैक। उसके बावजूद भी किसी ने कोई स्टेप नहीं लिया इसको रोकने के लिए। सब ने यही मजाक बना कर टाल दिया कि अरे ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस इनका है, ऐसा कुछ नहीं करने के काबिल हैं, ये नहीं कर पाएंगे। ये वहाँ के कॉलोनल वगैरह का कहना है, ठीक है। और ये सामने कहाँ से आई है ये रिपोर्ट? न्यूयॉर्क टाइम्स के हाथों एक डॉक्यूमेंट लगा है 40 पेज का, जिसका नाम है जेरिको वॉल। तो ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज में होगा, अरेबिक में शायद, उसका ट्रांसलेशन करवा करके ये सामने आई है। तो पूरा डिटेल में जानेंगे ये क्या है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं हमें तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे इसका। और हम ऐसी ही वीडियो बनाते हैं जो सारे का सारे इंपॉर्टेंट करंट में चल रहा हो। तो कोई भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको देखना हो वीडियो, तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। तो आइए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्ट्रेट अवे डिस्कस करते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट 40 पेज का मिला है, जेरिको वॉल करके डॉक्यूमेंट न्यूयॉर्क टाइम्स को, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि लगभग लगभग एक साल पहले ही ये एक डॉक्यूमेंट मिल चुका था इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि हमास कुछ ऐसा अटैक करने का प्लान कर रहा है, लेकिन इन लोगों ने इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। उसमें साफ साफ पूरा डिटेल्ड में लिखा हुआ था कि रॉकेट से अटैक होगा पहले, फिर ड्रोन से अटैक होगा, उसके बाद फिर ये लोग मशीन गन लेके घुस जाएंगे, बाइक्स का यूज़ करेंगे, पैदल जाएंगे, सब पूरा डिटेल में। जैसे ऐसे हुआ है 7 अक्टूबर 2023 को, ये उस डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है, और ये इनको मिल चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने कुछ एक्शन नहीं लिया इसके बारे में, इसको सीरियसली लिया ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। और पहले तो एक साल पहले तो लिया ही नहीं। अब इस डॉक्यूमेंट में ये चीज़ नहीं है कि मेंशन की वहाँ जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इस डॉक्यूमेंट को कब देखा था और क्या प्रतिक्रिया दी, ये मेंशन नहीं है इसमें डॉक्यूमेंट में। और एक साल पहले तो छोड़िए, 3 महीने पहले जुलाई में भी एक जो बहुत ही मानव एनालिस्ट हैं वहाँ की इंटेलिजेंस यूनिट के साथ, यूनिट 8200 में, उन्होंने वार्न किया था कि हमास जो है कुछ बहुत ही पूरे दिन भर डे लॉन्ग ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर रहा, और वैसी एक्सरसाइजेस कर रहा जैसे कि जो डॉक्यूमेंट जेरिको वॉल डॉक्यूमेंट में मेंशन है। इस साल जुलाई में भी ये चीज़ उसने आगाह कराई थी, लेकिन किसी ने उस चीज़ को फिर से सीरियसली नहीं लिया। उनके कॉलोनल वगैरह ने उस चीज़ को कर दिया कि नहीं नहीं कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चूक है, जो मतलब कहते हैं ना कि दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, या मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो वाली बात है। इन्होंने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट कर लिया कि अरे कुछ कर ही नहीं सकते हमारे खिलाफ। और इसराइल की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, मोसाद के बारे में तो सब जानते हैं, एक और एजेंसी है शिनबैट, ये दोनों दुनिया की सबसे मानी हुई एजेंसी है दोस्तों। मतलब इन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं, विदेशों में जा जा के भी कारनामे किए हैं इन्होंने। तो मतलब रशिया का जहाज तक चोरी कर रखा है, ठीक है, इराक से। आप यूट्यूब में देखना, अगर आप चाहोगे तो मैं वो वीडियो बना दूंगा उस पर डिटेल में। और टेररिस्ट का तो इनका वीडियो आप जानते हो, किस तरीके से इन्होंने टेररिस्ट से खाली कराया था। तो बहुत मानी हुई एजेंसीज है मोसाड वगैरह, लेकिन इनका ज़बरदस्त फेलियर रहा यहाँ पे। और इन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के जो इसराइल का डोमेस्टिक सिक्योरिटी सर्विस के चीफ है, उन्होंने लेकर के बोला कि हाँ हमसे बड़ी चूक हुई है, हमें पता नहीं चला कि हमास ऐसा करने वाला। लेकिन अब जो ये डॉक्यूमेंट सामने आ गया न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से, जेरिको वॉल डॉक्यूमेंट, तो साफ पता चलता है कि इनको सब पता था कि क्या होने वाला है, बट इन्होंने कुछ एक्शन उसको सीरियसली लिया नहीं। एक्शन नहीं मतलब एक्चुअली इन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक। तो इसके वजह से लगभग लगभग 1200 लोग मारे गए उस दिन अटैक में 7 अक्टूबर को। और उसके बाद जब रिटेलिएशन में इसराइल ने अटैक किया है गाजा पे, तो लगभग लगभग 13,000 पैलेस्टीनियंस की डेथ हो चुकी है। तो ये बहुत ही दुखद है कि इनको पता था फिर भी इन लोगों ने नहीं किया, एक्शन लिया। और उस डॉक्यूमेंट में सारा डिटेल में दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ उस वॉल डॉक्यूमेंट में क्या क्या मेंशन था पॉइंट वाइज, कि उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले रॉकेट से हमला किया जाएगा, जिससे कि डिस्ट्रैक्ट होकर इजरायली सोल्जर जो हैं वो बंकर्स में चले जाएंगे। फिर जो ड्रोन्स हैं, तो जो सिक्योरिटी कैमराज और जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं बॉर्डर फेंसेस पे, है ना, करंट की तारें होंगी या कुछ भी होंगी, तो ड्रोन्स जाके उसको
अटैक करेंगे और वो जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो ख़राब कर देंगे। फिर फाइटर्स जो हैं लगभग 60 पॉइंट से वॉल में एंटर करेंगे, ठीक है। और इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो था कि इनका इजरायली मिलिट्री बेस है एक रेम करके, जो कि गाजा डिवीज़न को कंट्रोल करने के लिए बना हुआ है, उसको हमला करना, उस पर अटैक करना था। डॉक्यूमेंट जो स्टार्ट होता है उसमें, वो स्टार्ट होता है एक कुरान की कोट से, जिसका मतलब, जिसमें लिखा हुआ था कि सरप्राइज देम थ्रू द गेट, इफ़ यू डू यू विल सर्टेनली प्रिवेल। ये पूरा था मेंशन्ड उसमें। तो क्या बोला जाए, मतलब अभी क्वेश्चन तो यही उठ रहा है कि हाँ भाई, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं, क्या उन्होंने ये डॉक्यूमेंट देखा था? और देखा था तो फिर उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं इसके बारे में? और मोसाड वगैरह को भी ये सारा कुछ पता था तो उन्होंने कुछ एक्शन लिया क्यों नहीं? अब ये चीज़ देखते हैं उनके देश में क्या प्रतिक्रिया आएगी और क्या पूरा होता है। आज तो मतलब अभी आया ही ये डॉक्यूमेंट है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी इसका ट्रांसलेशन करके पब्लिश किया ही है कि क्या क्या उसका कंटेंट था। तो आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है इसका रिएक्शन, जो भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं कोशिश करता हूँ जितने जल्दी और जितने कम टाइम में आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। तो मैं कम से कम टाइम में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।